हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, श्री अकाल। आज आपका स्वागत है GTA 5 के न्यू एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने जो है एक इवेंट अटेंड किया है जहां पे बॉडी बिल्डर्स ने आपस में भाई साहब बहुत ही मुक्केबाजी करी थी और एक बॉडी बिल्डर जीत गई थी, जिससे के बाद मुझे लड़कियों से डर लगने लग गया है। अभी फ्रैंकलिन हमारा कल कैसीनो खेल रहा था और वो भाई साहब सारे पैसे हार चुका है। इस अमेरिकन बॉस को देखो कैसे हंस रहा है बुड्ढा, और इसने बोला है कि मैं $2 मिलियन दूंगा क्योंकि आज है कॉन्सर्ट जस्टिन बारबर का लॉस सैंटोस में। अगर हम उसको मार देते हैं तो ये हमें $2 मिलियन देने वाला है। तो इससे हमारी बात हो चुकी है, तो अभी हमें जो है पहले तो कॉन्सर्ट वाला पूरा जो है माहौल देखने वाले जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे कॉन्सर्ट है। तो मैंने मार्क ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैंने इससे एड्रेस वगैरह सारा ले लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं उसी कॉन्सर्ट हॉल में जहाँ पे एक कॉन्सर्ट होने वाला है, और उस कॉन्सर्ट में जो भी बड़ा सिंगर आने वाला है ना, हमें उसे मारना है ताकि हम इस बंदे से $2 मिलियन जो है ले पाए। ओ भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया। अभी मेरे को जरूर मर, मैं जरूर मर जाता, सिंगर मरे ना मरे। मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से फ्रैंकलिन ड्राइव कर रहा है ना भाई, ये लुढ़कने वाला है यहाँ पे। तो हम थोड़ी सी दूर हैं वहां से, तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं वहां पे, क्योंकि आज जो है ना कॉन्सर्ट बहुत बड़ा होने वाला है। अगर इतना बड़ा कॉन्सर्ट है तो वहां पे भाई सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। तो मैं पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट स्टेडियम के बाहर, तो शायद से ये यही स्टेडियम है वो जहाँ पे कॉन्सर्ट है। तो अगर मैं फ्रंट गेट से जाऊंगा ना तो लोग मेरे को पहचान लेंगे। तो वहां पे शायद से लग रहा है मेरे पास गन्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बाय कर ली थी, तो यहाँ पे मेरे को शायद लग रहा है कि ये, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने स्टेज पे भी खड़ा कर रखा है। तो रात को ये कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे पहले से तैयारियां जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मुझे जो है थोड़ा सा ऊपर से जाके देखना पड़ेगा कि कितना इंतजाम है कॉन्सर्ट का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मेरे को लग रहा है कि यहाँ से रास्ता जो है थोड़ा सा रास्ता जा रहा है जहाँ से मैं कॉन्सर्ट तक पहुँच पाऊंगा, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से चल के जाना पड़ेगा पहाड़ी के ऊपर से, और मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना क्राउड है, कितने गनमैन है और यहाँ पे कितने पुलिसमैन आए हुए हैं। भाई साहब, ये कॉन्सर्ट तो काफी बड़ा और काफी धमाकेदार लग रहा है। तो यहाँ से दूर से हम देख सकते हैं, थोड़ा छिप के देखना पड़ेगा ताकि जो है मैं यहाँ से जो है ना कॉन्सर्ट को देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे सारे गनमैन अपना अपना बिजी हैं, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना अभी सारे क्राउड्स वगैरह अभी नाच रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक वगैरह तो अभी तक चालू है। तो हमें रात होने का वेट करना है ताकि हम जो है कॉन्सर्ट वाले सिंगर का वेट कर सकें, और जब वो आएगा ना भाई साहब, क्राउड एकदम पागल हो जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ वो सिंगर आ चुका है। और अभी मैं यहीं पे छिप के बैठता हूँ 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि जाने के लिए हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। तो यहीं पे मैं छिप के बैठ जाता हूँ और रात होने का हम वेट करते हैं। All right guys, तो रात हो चुकी है और मैं अभी अपने काम पे जाने वाला हूँ, यानी कि मुझे सिंगर को मारना है। तो मैं एज अ जो है एक ऑडियंस बन के भी जा सकता हूँ, पर शायद से अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया ना मेरे पे तो भाई साहब पुलिस वाले मेरे को मार देंगे तुरंत। तो मैं थोड़ा सा ना बच बच के जाता हूँ ताकि मैं उनसे बच के, उनकी निगाह से बच के थोड़ा सा मैं ऑडियंस में घुस जाऊं, और ताकि उनको पता ना चले कि मेरे पास गन है। और अगर मैं इतनी दूर से मारूंगा ना तो भाई साहब मेरे को सारी जो है पुलिस ट्रैक कर सकती है आजू बाजू के एरिया में, और मैं यहाँ से जो है आसानी से मार के निकल जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे छिप के जो है यहाँ से पहले देख लेता हूँ कि सिंगर जो है कहाँ पे और कैसा दिखता है। ओ भाई साहब, ये बंदा है। ओके, तो ये बंदा है और इसके साथ वाले को आर्टिस्ट जो है भाई नाच रहे हैं। दो को आर्टिस्ट हैं और ये एक यहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे पुलिस वाला है, एक यहाँ पे पुलिस वाला है और एक यहाँ पे पुलिस वाला है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा गंदी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी है इन्होंने, और पुलिस वाले यहाँ पे और भी होंगे। तो शायद ये पीछे भी पुलिस वाला है, भाई साहब ये पीछे भी पुलिस वाला है, और भाई साहब बहुत ही ज्यादा पुलिस वाले हैं यहाँ पे। मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना ही पड़ेगा ताकि वो मेरे पे डायरेक्ट जो है फायर ना कर सकें। तो मैं यहाँ पे छिप के बैठ जाता हूँ, और फाइनली गाइस, तो रात तो काफी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से मार के पीछे, भाई साहब बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंतजाम कर रखा है ये। देखो यहाँ पे मैं अपनी गन छुपा लेता हूँ, यहाँ पे जो है ना डीजे वीजे का सिस्टम भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है, और यहाँ पे कैमराज देखो यार
3D कैमरास लगा रखे हैं ताकि पूरी एक दो मोमेंट, एक से एक मोमेंट जो है रिकॉर्ड हो सके। तो भाई साहब इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि ये अगर आर्टिस्ट को मैं मार देता हूँ ना तो बहुत गंदे वाला जो है न्यूज में मेरा नाम आने वाला है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ वर्ल्ड राइट गाइस। तो यहाँ से हमें जो है ना डायरेक्टली जो पुलिस वाले वो दिख रहे हैं, तो ये वाला जो है हमें सिंगर को इसको टपकाना है। और इसके को आर्टिस्ट भी हैं दो, एक येरा को आर्टिस्ट और एक यहाँ पे है एक को आर्टिस्ट ये वाला है। तो इसको मैं अभी मारने वाला हूँ, मैं देख लेता हूँ शायद कोई देख तो नहीं रहा मुझे। 1 2 3 ओ भाई साहब पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, इन पंतों को भी मार सकता हूँ मैं। ओ भाई पुलिस मेरे पीछे लग चुके हैं और मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरी बाइक कहाँ पे खड़ी करी थी मैंने? ओ भाई भागो मेरे पास पुलिस, भाई साहब 3-स्टार पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है क्योंकि बहुत गंदा जो था वो सिंगर था भाई साहब जिसको मैंने मारा है, बहुत ही ज्यादा फेमस था। मुझे फटाफट से जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि जो है पुलिस मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी बाइक कहाँ पे थी? यहाँ पे बाइक छोड़ो यार, गाड़ी। अरे ये यार ये कुत्ते कहाँ पे, कुत्ते बिल्ली है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है। अगर मैं पुलिस वालों को एक दो बंदों को मार भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे मैं, ओ भाई साहब दो पुलिस वाले मैंने मार दिए, तो इनकी गाड़ी लेकर मैं भाग सकता हूँ, इजीली गाड़ी लेकर मैं भाग सकता हूँ इनकी। ओके गाइस तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं और हम भाई साहब यहाँ से निकल के सीधा जाने वाले हैं माइकल के घर पे। ओ भाई साहब मेरी गाड़ी जो है बहुत ही गंदी तरीके से इन्होंने पंचर कर दी है, तो मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा ताकि मैं अपने, ओ भाई बहुत ही गंदा है यार ये तो। अरे गाड़ी गाड़ी चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, गाड़ी बहुत गंदी तरह डैमेज हो चुकी है। तो भी मेरे को फटाफट से जो है यहाँ से निकल के किसी शेल्टर में जाना पड़ेगा ताकि जो है पुलिस मेरा पीछा छोड़ दे। ओके तो यहाँ पे शायद से कोई गैरेज होने वाला है और यहाँ पे एस वाला सिंबल है वो तो सिमोन होने वाला है। सिमोन तो मेरे को अपने पास छुपाएगा नहीं क्योंकि वो खुद नल्ला है। तो अभी मेरे को फटाफट से किसी चीज में घुसना पड़ेगा, यहाँ किसी गैरेज में घुसना पड़ेगा। ओ भाई साहब बहुत ही गंदे तरीके से ये मेरे को मार दे जा रहे हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां पुलिस वाले पीछे, भाई बहुत ही गंदे तरीके से मेरे पीछे पड़ चुके हैं यार ये तो। मेरे को यहाँ से निकल के सीधा माइकल के घर पे जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब मैं इस पतली गली में घुस सकता हूँ क्या? हाँ यहाँ पे चला जाता हूँ ताकि इनको पता ही ना चले कि मैं यहाँ पे छिपा हुआ हूँ। यहाँ पे ये शेल्टर छिपने के लिए सही रहेगा। ओके इन्होंने रिपोर्टिंग कर दिया है कि गाय इज नॉट विजिबल, यानी कि मैं उनको दिख नहीं रहा हूं। तो शायद से अभी मेरे पीछे से पुलिस हट जाएगी, मैं यहाँ पे छिपा हुआ हूँ। ऑल राइट गाइस तो यहाँ पे उनको मैं दिख नहीं रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा हूँ। ओ भाई दोबारा से आ गए यार ये तो, यहाँ पे मैं बढ़िया छिपा हुआ था और इन्होंने मुझे दोबारा से देख लिया है और मुझे दोबारा से यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि मैं भाई निकल पाऊँ। अरे यार निकल जाओ भाई, मैंने उसको मार दिया है उसके बाद जो है ना ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे खोल गाड़ी, निकल इधर से, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? चल 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 निकलो 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 जल्दी फटाफट से निकलो यहाँ से। गाइस तो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और पुलिस वालों ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। तो ऐसी स्टोरी वीडियोस अभी डेली आने वाली हैं क्योंकि हमने क्रिमिनल सीरीज जो है स्टोरी मोड में स्टार्ट करी है। तो बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना यार अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।